हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, क्या हालचाल आप लोगों के? बढ़िया जी। चलिए, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर देयर सीए सीपीटी एंड फाउंडेशन एग्जाम। बहुत बहुत मुबारकबाद सर, आपकी मेहनत रंग लाई। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है सर, बहुत ही बड़ी चीज है जो आप लोगों ने अचीव करी है। सीए के एग्जाम क्लियर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब सर, यू मस्ट फील प्राउड कि आप लोगों ने सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर किया। नाउ द टाइम एंड द जर्नी फॉर सीए प्रिपरेशन, सीए इंटरमीडिएट प्रिपरेशन स्टार्ट। अब बारी है सर सीए इंटरमीडिएट की अगली सीढ़ी। फर्स्ट सीढ़ी आपकी क्या थी? सीए फाउंडेशन। अगली सीढ़ी है आपकी सीए इंटरमीडिएट। अब हमें इंटरमीडिएट को किस हिसाब से तैयार करना है? देखिए सर, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले पहले आपको एक पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी कि व्हाट इज सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट में क्या है? किसी के सर बहकावे में नहीं आना, अपने माइंड को क्लियर करके चलना है। इवन मैं भी जो बोल रहा हूं, आपको खुद ही अपने आप एनालाइज करना है कि सर मुझे क्या करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइडेंस दे सकता हूं कि आपको अच्छी तरीके से जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे वो आप कीजिए, ठीक है सर। इन चीजों को इवेल्युएट करके, एनालाइज करके डिसीजन आपका है, ठीक है जी। कोई कोचिंग सेंटर कोई कुछ बोलता रहे, प्लीज आप लोग किसी के बारे में किसी के मत सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनिएगा कि आपका मन क्या कहता है। जैसा आपका मन कहता है उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी की गाइडेंस जरूर ले लेना जो आपको इफेक्टिव लगे, ठीक है जी। सर सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के लिए हमें चाहिए अच्छी स्ट्रेटजी। अभी तक आपके पास फाउंडेशन हो या सीपीटी हो, सिर्फ चार सब्जेक्ट हुआ करते थे। नाउ यू हैव टोटल एट सब्जेक्ट्स एंड आठ के आठ सर वास्ट सब्जेक्ट है, छोटे मोटे सब्जेक्ट नहीं है, थोड़े लेंथी सब्जेक्ट है, कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है। सीए कोर्स में मुश्किल कुछ नहीं होता। सीए क्या, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, किसी भी लेवल पे चले जाओ कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ दिक्कत क्या आती है, कोर्स कंटेंट ज्यादा है, टाइम कम है। जैसे जनरल आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में क्या प्रॉब्लम होती है, जनरल इकोनॉमिक्स की क्या प्रॉब्लम होती है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सेम प्रॉब्लम सीए में है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और यहाँ पर रिसोर्सेज क्या है सर, टाइम, टाइम बहुत कम है। इवन अब आप लोगों का रिजल्ट वैसे भी डिले हो गया है, तो आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए मई 20 में जिसका अटेम्प्ट है उनकी प्रिपरेशन के लिए टाइम है कम। देखा जाए तो लगभग ऐसे 9 months ही होते हैं, बट रिजल्ट डिले होने की वजह से आपका 1 month कम हो गया, तो लगभग 8-8.5 महीने आप लोगों के पास प्रिपेयर करने के लिए। अब बात आती है सर, कैसे उन 8-8.5 महीने में हम अपनी सीए इंटरमीडिएट को प्रिपेयर करें एंड पास नहीं होना। सर मैं ये नहीं कह रहा फेल होना है, पास नहीं होना, रैंक लेके आनी है सर। आपके पहले दिन से ही ऑब्जेक्टिव माइंड में क्या होना चाहिए कि मुझे रैंक लेके आनी है। अब रैंक लेना सीए के एग्जाम में मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों के मन में होता हो सर रैंक लाना, रैंक तो बहुत मुश्किल है, रैंक तो सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स की आ सकती है, सर रैंक लाना इज नॉट टफ। रैंक आ सकती है प्रोवाइडेड यू हैव अ प्रॉपर एंड गुड स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर योर एग्जाम्स। अब जिन बच्चों की सीए फाउंडेशन में रैंक आई है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बड़ी बात है आप लोगों की रैंक आई है, बट उसको सर कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है आपको। सीए इंटरमीडिएट में भी रैंक चाहिए, सीए फाइनल में भी रैंक चाहिए, तब कुछ बात बनेगी। एंड जिन स्टूडेंट्स की सीए फाउंडेशन में रैंक नहीं आई, सीपीटी में रैंक नहीं आई, तो वो ये मत सोचिए सर सीए में मेरी रैंक नहीं आ सकती। आ सकती है, सीपीटी और फाउंडेशन में नहीं रैंक आई कोई बात नहीं सर, इंटरमीडिएट है, फाइनल है, आप रैंक लेकर आइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पास हुए हो यही बहुत बड़ी चीज है, इसका मतलब आप लोग इंटेलिजेंट हो, आपका दिमाग बहुत शार्प है अगर आप पास हो गए हो। तो अगर आप पास हुए हो तो आप रैंक जरूर ला सकते हो आगे आने वाले लेवल्स में। मेरा यह मानना है सर सीए के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए और तीनों क्लब, तीनों साथ चाहिए। पहली चीज योर हार्डवर्क, दूसरी चीज इज योर कमिटमेंट एंड तीसरी चीज इज योर अपना डिसिप्लिन। हार्डवर्क प्लस कमिटमेंट प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस फॉर मी। मेरे हिसाब से तो सर हार्डवर्क, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन, अगर स्टूडेंट में ये तीन चीजें हैं तो वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता उसे। हार्डवर्क सर, हार्डवर्क का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ फिजिकल लेबर करनी है, यहां पर आपको चाहिए मेंटल लेबर। और जैसे जैसे आप हार्डवर्क करते चले जाएंगे, जैसे जैसे द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग हार्डवर्क, अपने आप ही आपको एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी टू डू द स्मार्ट वर्क। अगर आप सोचे कि सर मेरे को कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि मैं स्मार्टली अपनी स्टडीज को क्लियर कर लूं, अपनी स्टडीज को स्मार्ट वर्क के थ्रू कर लूं, कुछ नहीं है सर, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। एक बार हार्डवर्क चाहिए, और अगर आपने एक बार अच्छे से हार्डवर्क कर लिया
स्मार्ट वर्क अपने आप ही आपके सामने आ जाएगा, आपके पास स्ट्रेटेजी आ जाएगी। स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता सर, गुड स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू स्मार्ट वर्क। सेकेंड इज योर कमिटमेंट। अगर आपने कुछ चीज ठान ली है तो आपको वो करके दिखानी है। मींस अब आपके पास कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे कि सर पढ़ाई देखो, अब आपको नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी या फिर अपने एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। फाउंडेशन तक आपने चलो थोड़ा सा एफर्ट्स कम लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट क्लियर करने के लिए आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में कोई डाउट नहीं है सर, जो मर्जी सब बोलते रहे मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। कोई ये कह दे कि सर मेहनत ठीक है, मेहनत करनी है, लेकिन सीए हो जाती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं सर, मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको चाहिए कमिटमेंट। अगर आपने कोई चीज सोच ली है कि मुझे करनी है तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब जैसे कि आपने सोचा कि मुझे सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना है, तो यू हैव टू बी कमिटेड टू वेक अप एट 6 AM एंड स्टार्ट स्टडिंग। आपको 6 बजे उठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, जब भी कोई चीज हम अचीव करना चाहते हैं, जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हमें शुरुआती दिक्कत आती है, लेकिन जब वो शुरुआत में दिक्कत आएगी तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी और वो अपने आप चीज होती चली जाएगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि सर 6 बजे उठना है, उसे नहीं उठ पाओगे, बहुत दिक्कत आएगी। जो उठता है उसके लिए तो ईजी है, जो नहीं उठता जिसको आदत नहीं है तो दिक्कत आएगी। धीरे धीरे पहले आप एक दो बार 7 बजे उठोगे, फिर आप धीरे धीरे करके 15 मिनट कम करोगे, 7:45 बजे, 6:30 बजे, 6:15 बजे, एक टाइम ऐसा भी आएगा सर 6 बजे, और एक टाइम ऐसा भी आएगा सर 6 नहीं मैं तो 5:30 उठ के पढ़ लूंगा। एग्जाम डे में आपकी अपने आप ही आंख 5 बजे भी खुल जाएगी। दिस इज माय कमिटमेंट टू यू कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन यू हैव टू बी कमिटेड टू योरसेल्फ। अपने आप के लिए आपको खुद ही कमिटेड होना पड़ेगा। थर्ड इज योर डिसिप्लिन। सर एंजॉय करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ एंजॉय नहीं करनी है, लाइफ एंजॉय करनी है। यंग एज है सर, अब नहीं एंजॉय करोगे तो कब करोगे? लाइफ एंजॉय करनी है, लेकिन आपकी स्टडीज आपका करियर सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मूवीज देखिए, खेलिए, घूमने जाइए, फ्रेंड से मिलिए, फोन पे बात कीजिए, इंटरनेट पे टाइम स्पेंड कीजिए, सब कुछ करिए, सोशल मीडिया यूज करिए, कुछ नहीं रोक रहा मैं आपको। कोई कुछ लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो कहेंगे कि सर सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाओ तो सीए होगी, मूवीज मत देखने जाओ, फैमिली फंक्शन में मत जाओ तो सीए होगी, ऐसा कुछ नहीं है सर। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बहुत जरूरी है, बहुत सारी अपडेट्स आपको सोशल मीडिया से ही मिलती है। सो सब कुछ करना है, अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है, क्योंकि सर ये टाइम आपका चला गया तो इंजॉयमेंट का टाइम ये दोबारा घूम के नहीं आएगा, लेकिन आपको अपनी स्टडीज सेक्रीफाइस नहीं करनी। जैसे कि आपके पास लेट अस से आज संडे का दिन आपके पास, और संडे में आपने कुछ प्लानिंग करी है, सैटरडे नाइट को आप प्लान करके सो रहे हो कि कल मैं एक मूवी देख के आऊंगा और अपनी पढ़ाई करूंगा। अगर आपने ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने पढ़ाई वाला टाइम कर दिया वेस्ट और आप मूवी देखने चले गए, दैट इज वेरी बैड फॉर यू, ये चीज आपके लिए खराब है। अगर आपने पढ़ाई का टाइम किया है वेस्ट, तो आपको अपनी मूवी को सैक्रिफाइस करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस तरीके से सीए की पढ़ाई होती है, सीए की स्टडीज की जाती है। हाँ जी, अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करी है तो मूवी देखने चाहिए, कौन रोक रहा है आपको? आपके माइंड से कम ये टेंशन तो रहेगी, टेंशन तो मिट जाएगी कि भाई मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। अब बिना पढ़े आप चले गए मूवी में, तो आपके मूवी में दिमाग में क्या घूमता रहेगा, यार आज मैं पढ़ा नहीं, तो वो मूवी भी बेकार है। जो भी कीजिए, कुछ भी कीजिए सर, 100% कीजिए। आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो सर 100% अच्छे से प्रेजेंट हुई है उसके सामने, कम से कम आपने आपके माइंड में टेंशन तो नहीं रहेगी कि मैं पढ़ा नहीं। पढ़ के जाइए, अपनी तैयारी करके जाइए, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकता सर, सब कुछ करना है लाइफ में, लेकिन अपने करियर को, अपनी स्टडीज को अफेक्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है सर। जैसे कि मैंने आपको बताया सर, आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो गया, तो आपके पास प्रिपरेशन का टाइम कम है। जिनका मई 2020 में अटेम्प्ट है, उनके लिए प्रिपरेशन टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक है जी। चलिए, अब हमें किस हिसाब से तैयारी करनी है उसका मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या शॉर्ट प्लान आप लोगों को दे दूंगा कि कब आपको क्लासेस लगानी चाहिए, किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो स्टे कनेक्टेड, ध्यान से सुनिएगा सर। कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, आप मुझसे कभी भी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है सर, ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन करा दूं कि कितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपका कोर्स है, क्योंकि सर रोड मैप क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए जी, टोटल आपके
हाँ जी, टोटल आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, जिसको आईसीएआई ने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक है जी आपका ग्रुप वन विच इज ऑफ 400 मार्क्स, और एक है जी आपका ग्रुप टू विच इज ऑफ 400 मार्क्स। टोटल 8 सब्जेक्ट्स। पेपर वन इज योर अकाउंटिंग, दैट इज माय पेपर। पेपर टू इज योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पेपर थ्री इज योर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, दैट इज जिसे हम लॉ भी बोलते हैं। एंड पेपर फोर इज योर टैक्सेशन, जैसे टैक्स, जिसमें आपके दोनों है, डायरेक्ट टैक्स भी है एंड इनडायरेक्ट टैक्स भी है। ग्रुप टू की अगर मैं बात करूं, दिस इज योर ग्रुप टू। ग्रुप टू की अगर मैं बात करूं, ग्रुप टू में आपका पेपर नंबर 5, दैट इज ग्रुप टू का पेपर नंबर 1, और कंटिन्यूएशन में अगर हम चले तो पेपर नंबर 5, दैट इज योर एडवांस अकाउंटिंग, अगेन माय पेपर। पेपर 6 इज योर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, दैट इज अगेन माय पेपर। यस सर, मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट। पेपर 7 इज योर EIS एंड SN, जिसे आप एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी बोलते हो। एंड पेपर 8 इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स बेसिकली। हर एक पेपर आपका जी 100 मार्क्स का है। ये टोटल आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं इन CA इंटरमीडिएट, ठीक है जी। अब आपका अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया की बात करूं, तो कुछ स्टूडेंट्स को सर पता भी होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो वो यहां से देख लेना जी। सर पासिंग क्राइटेरिया क्या है आपका? जो पासिंग क्राइटेरिया है, दैट इज योर 40% इन ईच सब्जेक्ट। आपको हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स चाहिए एंड 50% इन एग्रीगेट। यस सर, यही आपका पासिंग क्राइटेरिया फाउंडेशन सीपीटी में भी हुआ करता है। क्या जी? 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट। इट मींस अगर आपके अकाउंट में 40 आए, कॉस्ट में 40 आए, लॉ में 40 आए एंड टैक्स में भी 40 आए, तो टोटल इज योर 160। आप इंडिविजुअली तो पास हो गए, लेकिन आपका टोटल 200, दैट इज 50% ऑफ 400, दैट इज 200, वो नहीं बना तो यू आर नॉट पास्ड, ठीक है। तो आपको पर सब्जेक्ट 40% मार्क्स चाहिए एंड ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है जी। ओके जी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लॉ, टैक्स, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, EASSM एंड FMN इको, ये आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से अगर मैं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पेपर में डिवाइड करूं, तो आपका जो अकाउंट्स का पेपर है, दैट इज योर प्रैक्टिकल पेपर। इसको एक काम करता हूं मैं, कलर थोड़ा सा डिफरेंट यूज करता हूं। हां जी, अकाउंट्स इज योर प्रैक्टिकल पेपर, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट इज योर प्रैक्टिकल एंड लिटिल बिट थ्योरी आती है इसमें आपकी थोड़ी बहुत। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज आपका थ्योरी पेपर है। टैक्सेशन में आपका प्रैक्टिकल भी है एंड थ्योरी पेपर भी है। एडवांस अकाउंट की बात करूं तो मैं सर आपका प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आपके काफी। ऑडिट एंड इंश्योरेंस की बात करूं तो सर थ्योरी पेपर है आपका। EIS SM की बात करूं तो आपका थ्योरेटिकल पेपर है एंड FM ECO की बात करूं तो सर आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी पेपर है। अब बात आती है सर रैंक कैसे लाए, ठीक है सर, हाउ टू गेट रैंक इन द CA इंटरमीडिएट। रैंक पे ध्यान देना सर, पास पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है रैंक पे कि हाउ टू गेट रैंक। देखिए जी, रैंक की अगर मैं बात करूं तो आपको एक जनरल रूल, कुछ आपको जनरल रूल ध्यान रखने हैं सर। What is that general rule? देखिए जी, पहला general rule है कि आपको rank के लिए you have to give both groups at a time. आपको एक ही shot में both groups clear करने हैं, तब आपकी rank आएगी। यानी कि जब भी आपको paper देना है sir, both groups देने हैं, then you are eligible to get rank in your exam. अगर आप single single करके देंगे तो sir rank नहीं आती है, ICAI का rule है। Okay sir. उसके बाद अगर मैं रैंक स्कोर करने की स्ट्रेटेजी आपको बताऊं तो सर स्ट्रेटेजी सिंपल सी बात है, जो आपका पेपर अकाउंट्स है एंड जो पेपर एडवांस अकाउंट है, ये आपको सर बहुत ज्यादा मदद करेगा रैंक स्कोर करने में। सर मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। जनरली आप किसी से भी पूछोगे सर, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स यही दो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको रैंक दिलवा सकते हैं इन योर CA इंटरमीडिएट। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्कोर 90% इन दीज सब्जेक्ट्स।
आपको अपने अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में 90% मार्क्स स्कोर करके चलने पड़ेंगे, देन यू कैन गेट रैंक इन योर एग्जाम। उसके बाद आपके पेपर आते हैं सर। इसके बाद अगर मैं सेकंड पैटर्न पे पेपर जो रखता हूं जो आपके रैंक लाने में मदद करेंगे, दैट इज योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इसके साथ आपका FMN ECO। ये पुराने IPCC में कॉस्ट FM एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था, अब इंटरमीडिएट में नाउ दिस इज डिवाइडेड बिटवीन टू सब्जेक्ट्स। एक आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप 1 में चला गया एंड FM ECO ग्रुप 2 में चला गया। अगर आपको रैंक लेके आनी है तो सर इसमें यू हैव टू स्कोर 80% और मोर इन दीज टू सब्जेक्ट्स, अकाउंट एंड एडवांस अकाउंटिंग 90% एंड मोर एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड FM ECO आपको 80% एंड मोर। आप इसको स्विच भी कर सकते हैं, कॉस्ट FM में आप 90% एंड मोर लिया और अकाउंट्स में अगर आप अकाउंट्स एडवांस अकाउंट में 80% एंड मोर लिया तब भी आप कोई दिक्कत नहीं है। ये चार पेपर मैंने कौन से पकड़े हैं सर? ये चार पेपर मैंने वो पकड़े हैं जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पेपर है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं और इसमें स्कोरिंग करने का तरीका, मतलब स्कोर इसमें ज्यादा आता है, स्कोर इजिली किया जा सकता है। उसके बाद अगर मैं पेपर की बात करूं लाइक लॉ, ऑडिट, EIS SM, देखिए सर ये थोड़े से थियोरिटिकल एंड केस बेस्ड पेपर है। अगर आप कोशिश करें कि सर मैं इन तीन पेपर में, लॉ, ऑडिट एंड EIS, इन तीन पेपर में 80% लिया हो तो सर मुश्किल है, इवन 70% मार्क्स लाना भी सर टफ हो जाता है इन तीन पेपर में। मैं ये नहीं कह रहा आते नहीं है, आ सकते हैं सर, पॉसिबल सब कुछ है। बच्चों के EIS SM में 90-90 मार्क्स भी आए हैं लेकिन सर उनकी फिर रैंक नहीं आई है, उनकी रैंक नहीं आई है क्योंकि सर उनके अकाउंटिंग एडवांस ये प्रैक्टिकल पेपर में मार्क्स नहीं आ पाए। ठीक है, तो सर जो मर्जी कीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से कीजिए। मेरे हिसाब से लॉ, ऑडिट, EIS SM, इसमें अगर आप जितने भी हार्डवर्क लगा लें तो सर 60-65 ये इसका एवरेज स्कोर रहता है। हाँ जी, मैं यहां लिख देता हूं, जो आपका लॉ है, ऑडिट है एंड EIS SM है, इसमें जो ऑन एन एवरेज स्कोर रहता है सर वो रहता है 60 प्लस या 60-65 के बीच में मैं कह सकता हूं, अगर बच्चे ने अच्छे से मेहनत करी है, जो रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है सर, और लास्ट आपका बच्चा है सर टैक्सेशन का पेपर। टैक्सेशन में सर डाइसी रहता है क्योंकि टैक्सेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में टैक्सेशन बहुत आसान लगेगा और इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है टैक्सेशन का, आपको लगेगा सर बहुत इजी है। इवन CA इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा हैवी सब्जेक्ट भी टैक्सेशन ही है, कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है, पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, लेकिन सर इसमें जितना ये सिंपल है जितना ये बेसिक है इसमें क्वेश्चंस उतने ज्यादा ट्रिकी आते हैं, घुमा के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, उसमें बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। तो इसमें जो अगर मैंने देखा है मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज जो स्कोर रहता है वो रहता है सर 70% के आसपास, ये एवरेज स्कोर रहता है। अगर रैंक आपको लेके आनी है तो सर आपके अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स 90 प्लस, कॉस्ट एंड FM 80 प्लस, लॉ, ऑडिट एंड EIS SM को आपको ये 60 के आसपास आपको प्रिपेयर करके चलना है एंड टैक्सेशन आपका 70% के आसपास स्कोर हो जाएगा, देन यू कैन गेट योर रैंक इन द CA इंटरमीडिएट। इस हिसाब से आपको तैयारी करके चलनी है। देखिए सर मैं कोई पास होने की बात कर ही नहीं रहा क्योंकि अगर मैंने रैंक की बात कर ली तो ऑटोमेटिकली आपको पास होने का आइडिया मिल ही गया होगा। ठीक है, तो सर पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेहनत कीजिए पास तो हो ही जाएंगे, टारगेट रखिए सर रैंक लाने का, रैंक लाएंगे तब कुछ बात बनती है कि हाँ बच्चे ने कुछ किया है। आजकल कॉम्पिटिशन सर बहुत है तो रैंक लाइए देन यू आर एलिजिबल, तब आपकी कुछ वैल्यू है बेसिकली। ठीक है सर, उसके बाद अगर मैं अदर रूल्स की बात करूं तो ये आप बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, शायद आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। रैंक का मैंने आपको बता दिया कि रैंक के लिए आपको बोथ ग्रुप्स देने, ठीक है, अदर रूल्स आपके क्या क्या है सर? अदर रूल्स या बेसिकली कह सकता हूं एडवांटेजेस ऑफ बोथ ग्रुप्स। सर ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है सर हम सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप्स दें, मेरी रिकमेंडेशन रहती है बोथ ग्रुप्स दीजिए, लेकिन सर ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है। किसी स्टूडेंट की सर मान लीजिए उन्होंने पढ़ाई करी, बोथ ग्रुप्स के लिए सोचा, ग्रुप वन की पढ़ाई शुरू करी, कोई ना कोई सर भगवान ना करे किसी के साथ कोई दिक्कत हो गई, कोई मिस हैपनिंग होगी या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गई, एक्स वाई जेड सर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी ग्रुप वन की तैयारी है सर पर वो बोथ ग्रुप्स नहीं कर पा रहा, सेकंड ग्रुप तैयारी नहीं है, तो सर वो ग्रुप वन दे देगा। इवन स्टूडेंट को अपने अंदर भी लगता है सर मेरा मतलब पढ़ते पढ़ते उसको पता लगेगा सर मैं बोथ ग्रुप्स नहीं कर पाऊंगा एक ही साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है सर सिंगल सिंगल करके दे दीजिए, कोई बुराई नहीं। बोथ ग्रुप्स का एक एडवांटेज सर रहता है, एडवांटेज नंबर वन इज योर सेट ऑफ बेनिफिट, ये बड़ी ध्यान से समझिएगा सर ये क्या है। बोथ ग्रुप्स का एडवांटेज है सेट ऑफ बेनिफिट। सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ सर, अगर मान लो
ग्रुप वन के चार पेपर में, ग्रुप वन के चार पेपर में आपका टोटल बनता है 230, तो आप पास है। ओके सर, ग्रुप वन पास है। एंड ग्रुप टू के, ग्रुप टू के टोटल में आपके चार पेपर में बनता है सर 170। ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप वन के चार पेपर में आपका टोटल बनता है 230, नहीं मान के चल रहा हूं 40% सब में है, ठीक है सर। ग्रुप टू के चार पेपर में आपका टोटल बनता है 170, 40% सब में है, तो सर ग्रुप वन तो पास है। अगर आप सिंगल सिंगल देते तो ग्रुप वन तो पास है, लेकिन ग्रुप टू में पास नहीं हुए बिकॉज ऑफ टोटल, एग्रीगेट नहीं हुआ। अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए तो सर इन दोनों मार्क्स को क्लब कर दिया जाता है, इन दोनों मार्क्स को क्या कर दिया जाता है, क्लब कर दिया जाता है। तो ग्रुप टू की जो डेफिशिएंसी होती है, जो ग्रुप टू की कमी होती है, वो सेट ऑफ हो जाती है बाय द एक्सेस ऑफ ग्रुप वन। समझे मेरी बात? जो ग्रुप टू की डेफिशिएंसी होती है, जो ग्रुप टू की कमी होती है, दैट विल बी कंपेंसेटेड बाय द एक्सेस ऑफ ग्रुप वन। तो अगर आप इनका टोटल करेंगे तो क्या बनेगा, 400 मार्क्स एंड यू आर डिक्लेयर्ड पास, आप पास हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं सर जो सेट ऑफ का एडवांटेज ले जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं ये रिकमेंड करता हूं सर कि बोथ ग्रुप दीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। रैंक का तो फायदा है ही है, दूसरी चीज सर सेट ऑफ बेनिफिट भी है, ठीक है सर। एक और जो मेरे सामने, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सर अगर आपका ग्रुप वन क्लियर है, ग्रुप वन क्लियर कर लिया आपने एक अटेम्प्ट देके, ठीक है जी, दूसरे अटेम्प्ट में जब आप ग्रुप टू करने लग गए ना सर, ग्रुप टू में सर दो पेपर ऐसे हैं, एक आपका ऑडिट एंड दूसरा पेपर है सर EISSM। ये सर कोर थ्योरी पेपर है, ये कोर थ्योरी पेपर है एंड थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज भी है इसमें। इसमें सर बच्चा सबसे ज्यादा फंसता है ऑडिट में और EISSM में। बच्चा एडवांस अकाउंट्स भी निकाल देगा, FME को भी निकाल देगा, लेकिन ऑडिट और EISSM के ये दो पेपर ऐसे, इसमें सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है। तो सर ये दोनों पेपर के झमेले में आप ना फंसे, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं सर बोथ ग्रुप्स दीजिए। अगर इन दोनों में कोई कमी भी रह गई है, ऑडिट EISSM में, ऑडिट में इनमें कोई कमी भी रह गई है, तो सर ये आप, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके कंपेंसेट हो जाएंगे बाय योर ग्रुप वन मार्क्स, ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी सर। डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है, मैं जबरदस्ती प्रेशर नहीं कर रहा कि बोथ ग्रुप्स दीजिए, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। मैंने आपको फायदे बता दिए हैं सर ग्रुप, बोथ ग्रुप्स के क्या फायदे होते हैं, ठीक है सर। ओके जी, अब आती है सर हाउ टू स्टार्ट माय प्रिपरेशंस, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूं सर। अगर मैं टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं, मेरे पास सर तीन तरीके के स्टूडेंट्स आएंगे, मैंने अकॉर्डिंगली तीन तरीके के स्टूडेंट्स को देखा है। क्या देखा है सर, देखिए जी, अगर मैं अब अपकमिंग अटेम्प्ट की बात करूं, जो अभी आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आया, उसमें कुछ बच्चे होंगे सर जो बोलेंगे सर मैं मई 2020, क्योंकि आपका जो अटेम्प्ट पड़ेगा वो पड़ेगा मई 2020 में, मैं मई 2020 में सिंगल ग्रुप दूंगा। ओके सर, एक स्टूडेंट आएगा जो कहता है सर मैं मई 2020 में बोथ ग्रुप्स दूंगा। ओके सर, उसके बाद जो बच्चा बचता है वो कहता है सर मैं नवंबर 2020 में बोथ ग्रुप्स दूंगा। ये तीन आपकी सिचुएशंस हो सकती हैं। मई 2020 जो आपकी, आपका अटेम्प्ट पड़ेगा सिंगल ग्रुप, मई 2020 बोथ ग्रुप्स, एंड नवंबर 2020। इसका मतलब सर आपने मई वाला अटेम्प्ट स्किप कर दिया, यानी कि आपने 9 महीने में प्रिपेयर ना करके, ये आपका 9 महीने का टाइम पीरियड है, आपने 9 महीने में प्रिपेयर ना करके आपने कितने, आपने 15 मंथ्स में, आपने ये 15 महीने में प्रिपेयर किया और बोथ ग्रुप्स के लिए गए। और सर दिस इज योर बेस्ट 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 स्ट्रेटेजी। देखिए सर, मई 2020 में जो सिंगल ग्रुप देने वाला बच्चा है, मई 2020 में जो सिंगल ग्रुप देने वाला बच्चा है, बहुत ज्यादा हो, अभी इनिशियली लगेगा सर मैं सिंगल ही ग्रुप दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जिनका रेगुलर कॉलेज है, वो भी सर यही डिसीजन ऑप्ट करते हैं कि मैं मई 2020 में सिंगल दे दूंगा, फिर उसके बाद नवंबर में सेकंड ग्रुप दे दूंगा। सर दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको रैंक स्कोर करनी है सर, अगर आप रैंक होल्डर हैं और आपको लगता है सर मैं रैंक लेके आ सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं रैंक ला सकता हूं, मेहनत करूंगा रैंक लेके आऊंगा, तो सर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स नवंबर 2020 में सर बोथ ग्रुप्स दीजिए, नवंबर 2020 में बोथ ग्रुप्स दीजिएगा। सर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स मई 2020 में बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग मत कीजिएगा, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्यों हो जाएगा सर, आपके ऊपर कॉलेज की प्रेशर भी है, कॉलेज के सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स भी हैं,
तो उसके साथ साथ अगर आप सोचो कि मैं मई 2020 में बोथ ग्रुप्स दूंगा, सर टफ हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है, टफ हो जाएगा। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं अभी भी जो कॉलेज के साथ साथ मई 20 मतलब अपना 9 months की ड्यूरेशन में बोथ ग्रुप्स के लिए प्लान कर रहे हैं। तो सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन थोड़ा सा टफ होता है सर, स्टडीज को कॉलेज को मैनेज कर पाना थोड़ा टफ होता है। हाँ, जो बच्चे का एसओएल का स्टूडेंट है, जो इसका रेगुलर कॉलेज नहीं है, वो मई 20 में बोथ ग्रुप्स दीजिए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मई 20 में सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है सर। मैं एक बार दोबारा समअप कर देता हूं सर, मई 20, एक मिनट, हाँ जी, मई 20 या तो सिंगल ग्रुप दीजिए, नवंबर 20 बोथ ग्रुप्स दीजिए, और मई 20 बोथ ग्रुप्स दीजिए। सर नवंबर 20 बोथ ग्रुप बच्चा वही दे जो कॉलेज वाला बच्चा है, जो रेगुलर कॉलेज वाला बच्चा है, ठीक है सर, वही यहां पर जाना। जिसका रेगुलर कॉलेज नहीं है वो मई 20 में बोथ ग्रुप्स दे देना, जिसका रेगुलर कॉलेज नहीं है वो मई 20 में ही सर बोथ ग्रुप्स देने की कोशिश करना, और कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मई 20 में आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको पीछे एडवांटेजेस बताए वो एडवांटेजेस आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है सर। तो मई 20 में आप लोग सिंगल ग्रुप भी दे सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। चलिए फिर अब बात आती है सर, हम अपनी कोचिंग को, क्लासेस को कैसे प्लान करें सर, ठीक है सर। सर क्या क्लासेस लेना जरूरी है सर? देखिए सर, क्लासेस लेना जरूरी नहीं होता। अगर आप चाहें तो सेल्फ स्टडी मोड पे जा सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ स्टडी मोड पे तभी जाइए इफ यू आर सिंसियर स्टूडेंट। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है तो सेल्फ स्टडी मोड पे जाइए, अगर आप सिंसियर नहीं है, आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो क्लासेस पे जाइए, ठीक है सर। मेरे हिसाब से सर इंटरमीडिएट लेवल पे बच्चा डिस्ट्रैक्ट जल्दी होता है, फाइनल लेवल पे तो बच्चा थोड़ा सीरियस हो जाता है तो वो सेल्फ स्टडी कर सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे बच्चा सर डिस्ट्रैक्ट जल्दी होता है, तो सर उसको कोचिंग ले लेनी चाहिए। कोचिंग आपको पास नहीं कराएगी, पहले सर क्लियर कट बोल दिया जाता है कि कोचिंग आपको पास नहीं कराएगी। कोचिंग का रोल होता है सर आपकी सक्सेस में 30-40%, 30% मान के चलूं मैं, कोचिंग का रोल होता है कि आप क्लासेस में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लासेस में जा रहे हैं, एक शेड्यूल बन जाता है आपका, 30% रोल है सर उसका, लिख ही देता हूं सर मैं इसको, बताइए कोचिंग का जो रोल है आपकी सक्सेस में, कोचिंग का रोल है सर 30%, क्योंकि वहां पर आपको एक शेड्यूल मिल जाता है कि मुझे किस हिसाब से प्लान करनी है, ठीक है सर। उसके बाद जो आप सेल्फ स्टडी करेंगे सर, उसके जो बाद आप सेल्फ स्टडी करेंगे वो आपका रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में 50%, ठीक है सर। जो आपका बचा कुचा सर 20% का रोल है वो प्ले करता है सर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, वो आपका रोल प्ले करते हैं सर 20%, और 20% ये आपको सर अपने कोचिंग का जो मेंटर होंगे, कोचिंग के जो ट्यूटर्स होंगे, जो आपको पढ़ा रहे हैं वो देंगे सर। सर आप मेरे, अगर मैं अपनी बात करूं, आप मेरे किसी भी पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं सर, मैंने अपना पर्सनल नंबर स्टूडेंट्स तक शेयर किया हुआ है, वो कभी भी मुझसे किसी भी टाइम पे क्वेरी पूछते हैं सर, सर मैं एक एक दो दो दिन नहीं लगाता रिप्लाई करने में, जितनी जल्दी हो सके सर मैं उनको रिस्पॉन्स दे देता हूँ, प्रोवाइडेड कि मैं थोड़ा सा बिजी ना हूं, जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट की क्वेरी रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो सर ये होती है पर्सनलाइज गाइडेंस, ये आपको तब मिलेगी सर जब आप कोचिंग लेंगे, थोड़ा सा ये कोचिंग का आपको और एडवांटेज मिल जाता है। तो सर बाकी कॉल इज योर्स, ये कोचिंग लेनी है या सेल्फ स्टडी करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों के आपको सर डिवाइड करना पड़ेगा कि अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं और आप टाइम दे सकते हैं और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो सेल्फ स्टडी कीजिए, अदरवाइज सर गो फॉर कोचिंग, एन नंबर ऑफ कोचिंग्स आर अवेलेबल। हाँ जी, कोचिंग लेने के लिए सर बहुत मेन चीज होती है सर अपनी क्लासेस को कैसे प्लान करें, प्लानिंग फॉर क्लासेस, क्लासेस को हम अपनी कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए सर, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो जिसको मई 20 में सिंगल ग्रुप देना है, मई 20 में बोथ ग्रुप्स देने हैं, या नवंबर 2020 में बोथ ग्रुप्स देने हैं, मैं तीन केसेस डिस्कस करें, मई 20 सिंगल ग्रुप, मई 20 बोथ ग्रुप्स, या नवंबर 20 बोथ ग्रुप्स, कोई भी स्टूडेंट हो सर, स्टार्ट विद योर ग्रुप वन क्लासेस। हाँ जी सर, ग्रुप वन की क्लासेस से सर शुरुआत कीजिए, ग्रुप वन की क्लासेस से अगर आप शुरुआत करेंगे तो सर इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि सर देखिए लगभग जो आपका ग्रुप वन है वो अगर देखो थोड़ी सी क्लासेस डिले भी है क्योंकि रिजल्ट लेट आया तो क्लासेस भी थोड़ा लेट शुरू होते हैं, लगभग सब अपनी क्लासेस 20 अगस्त के आसपास शुरू कर देंगे,
तो आपका नवंबर एंड तक आपका ग्रुप वन का कोर्स शुरू हो जाए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा आप उसमें ग्रुप टू प्रिपेयर करेंगे। अभी मैं उसके बाद आऊंगा कि सर वो टाइम अपना कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सर अगर आपके साथ कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है कि पहले आपने डिसीजन लिया था कि मैं बोथ ग्रुप दूंगा मई में, उसके बाद किसी कारणवश आप अपना एक ही ग्रुप दे पा रहे हैं, और क्लासेस अगर आपने शुरू कर दी बोथ ग्रुप्स की, एक ग्रुप वन का सब्जेक्ट चल रहा है और दो ग्रुप टू के चल रहे हैं, फिर एक ग्रुप वन का ले लिया, तो सर आप दोनों नाव में फंस गए, ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसीलिए बोला जाता है सर स्टार्ट विद योर ग्रुप वन क्लासेस, एटलीस्ट एक ग्रुप तो आपके हाथ में आएगा, एक ग्रुप तो आपका कंप्लीट हो जाएगा सर, ठीक है जी। जो आपकी क्लासेस शुरू होती हैं सर, करंट सीनियर की बात करूं तो सर अगस्त 20 अगस्त के आसपास आपकी लगभग हर कोचिंग में क्लासेस शुरू होंगी, जिसकी एंड डेट रहेगी नवंबर एंड, जो हर कोचिंग वाला कोशिश करेगा सर नवंबर एंड तक इसको कंप्लीट करा दिया जाए। सर यहां पर आपको टारगेट क्या लेके चलना है, यहां पर आपको टारगेट लेके चलना है कि मेरे को एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स तो कवर कर लेने हैं ऑफ ग्रुप वन। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो मई 20 में सिंगल ग्रुप दे रहे हैं प्लस नवंबर 20 में बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है सर जो मई 20 में बोथ ग्रुप्स दे रहा है, हाँ जी, उसको अपने फोर सब्जेक्ट्स नवंबर एंड तक कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है सर। क्या बताया मैंने, जो स्टूडेंट मई 20 में सिंगल ग्रुप के लिए जा रहा है और नवंबर 2020 में बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहा है, वो अपने नवंबर एंड तक 3 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप वन कंप्लीट करके रखे। एंड जो स्टूडेंट मई 20 में बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहा है, तो सर उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, चारों सब्जेक्ट्स उसको कंप्लीट करने पड़ेंगे बाय द एंड ऑफ नवंबर। उसके बाद सर जो बच्चा मई 20 सिंगल ग्रुप के लिए जा रहा है, मई 20 सिंगल ग्रुप के लिए जा रहा है और उसके नवंबर एंड तक उसके 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए, या कोई कुछ ऐसे भी होंगे सर जो 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करके बैठोगे, बहुत अच्छी बात है सर, उसको अपना एक पेपर वन सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2 इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए। है सर ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल सर, बड़ी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक मिनट, हाँ जी बड़ी ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जो स्टूडेंट मई 2020 में सिंगल ग्रुप के लिए जा रहा है, जो प्लान कर रहा है कि मैं सिंगल ग्रुप दूं, सर उसको अपना ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट अपने अटेम्प्ट से पहले, मई 20 के अटेम्प्ट से पहले कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि सर मई 20 में जब आपने एग्जाम दिए, फिर आप अपनी ग्रुप 2 की स्टडी शुरू करोगे, आपके पास बचेंगे 5 महीने, आप कोशिश करोगे 5 महीने में 4 सब्जेक्ट पढ़ लूं, सर पॉसिबल नहीं है। यही दिक्कत आती है जो बच्चा ग्रुप 2 में अटकता है। सर कोशिश ये कीजिए कि अभी आपके पास 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है, 8.5 महीने का ड्यूरेशन है, उसमें 4 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 1 जो आपको करने ही करने हैं एंड 1 सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2 आपको कवर कर लेना है। समझ में आई सर कुछ बात? ठीक है सर, अब बात आती है सर ये वो सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए। वो सब्जेक्ट आपका जो ग्रुप 2 का रहेगा, दैट मस्ट बी योर प्रैक्टिकल पेपर, वो आपका प्रैक्टिकल पेपर होना चाहिए, क्योंकि सर प्रैक्टिकल में ही कोर्स कंटेंट ज्यादा होता है, बींग इट योर एडवांस अकाउंट्स, या तो अपना एडवांस अकाउंट रखिएगा या अपना FMN ECO रख सकते हैं, ठीक है सर, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई भी पेपर रख सकते हैं, लेकिन सर ग्रुप 2 का एक पेपर आपको मई 20 के अटेम्प्ट से पहले पहले कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये मैं किन के लिए बात कर रहा हूं, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं जिनका मई 20 में सिंगल ग्रुप का एग्जाम है। जो बच्चा नवंबर 20 में एग्जाम दे रहा है सर, वो भी ऐसा कर ले तो बहुत अच्छी बात है, उसके पास तो एम्पल ऑफ टाइम है, तो वो अच्छी तरीके से रिविजन कर सकता है। नवंबर 20 बोथ ग्रुप के लिए जो बच्चा जा रहा है वो सर डैम श्योर रैंक ले जा रहा होगा, ठीक है सर, तो उसको अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम रिवीजन के लिए डिवोट करना है, उसको अपने 4 महीने एग्जाम से पहले, नवंबर से पहले 4 महीने सिर्फ रिवीजन के लिए बचा के रखने हैं सर। जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवाइज करोगे एट CA इंटरमीडिएट लेवल और CA फाइनल लेवल, उतना ही आपको सर एडवांटेज मिलेगा, तभी आपकी रैंक आ जाएगी, ठीक है सर। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सर मई 20 अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स के लिए जो जा रहा है सर, उसके लिए तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, उसको तो अपने अटेम्प्ट सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करके चलने ही पड़ेंगे। क्लियर है जी सर? बताइए। ओके सर, उसके बाद सर लास्ट पॉइंट हमारा जो आता है, दैट इज योर रिवीजन। सर रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
पढ़ाई कर ली, कोचिंग ले ली, रिवीजन नहीं की, सर कोई फायदा नहीं। जैसे जैसे आप पढ़ते चले सर, अगर सबसे अच्छा तरीका तो क्या होता है कि जैसे आपने कोचिंग में पढ़ा घर आके उसको रिवाइज कीजिए। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट अगर आप एंड तक रहेंगे तो सर एंड में आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, लेकिन आप अगर आप स्टार्टिंग में ही कंसिस्टेंट नहीं रहे एंड में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो सर फिर डामाडोल हो जाती है सिचुएशन। लेकिन हाँ सर, प्रैक्टिकल सिचुएशंस ऐसी भी रहती है, कॉलेज का प्रेशर है या कोई कुछ प्रेशर है या कोई भी दिक्कत है सर, जिस वजह से हमारे कुछ डेज स्किप हो जाते हैं, मैं रिवीजन नहीं कर पाया, तो सर उसके लिए आपको अपने संडेज को रखना चाहिए। जो आपके संडेज होते हैं, संडेज आर मेंट फॉर रिवीजन। एटलीस्ट सर हाफ डे तो आपको रिवीजन के लिए देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा सर इंजॉय मत कीजिए, संडे इंजॉय भी करना है सर। फर्स्ट हाफ, ये जो आपका हाफ डे रहेगा, दैट मस्ट बी योर फर्स्ट हाफ। जो आपका फर्स्ट हाफ रखना चाहिए दैट इज योर फॉर स्टडीज। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते आ रहे हैं, अगर आप पढ़ाई में अपनी कंसिस्टेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको जितना भी आपने वीक में पढ़ा है अपनी क्लासेस वगैरह में, उसको संडे को जाकर रिवाइज करना पड़ेगा। या फिर अगर आपका कोई चीज स्किप हो गई है तो सर संडे को उसको कवर कर लीजिए। संडे की आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी, या कोई भी अगर आपकी ऑफ आता है क्लासेस के बीच में, या कोई भी ऑफिशियल हॉलीडे हो जाती है सर, उसको आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंजॉय करना है सर, पर आधा दिन पढ़ाई के लिए, आधा दिन एंजॉयमेंट के लिए। क्लियर है सर? हाँ जी सर। हमारा जो सेंटर है दैट इज योर एओसी सीपी ब्रांच, अकेडमी ऑफ कॉमर्स सीपी ब्रांच, जिसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। एओसी सीपी ब्रांच में हम अपनी जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम 21st of August। मॉर्निंग में सर 8:30 AM आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी सर, शेड्यूल आपको मिल जाएगा। अगर आप अपनी अपना इंक्वायरी करेंगे, इफ यू इंक्वायर, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा सर, क्लासेस का क्या टाइम टेबल है। हमारे यहाँ पर सर 21st August से ही ग्रुप वन की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जो पेपर नंबर वन है दैट इज योर अकाउंट्स, दैट विल बी टेकन बाय मी, माय नेम इज सी वरुण जैन, एज यू ऑल नो। जो आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का अकाउंट है वो सीए संदीप जी ले रहे हैं सर। जो आपका लॉ का पेपर है दैट इज सीएस रमनदीप सानी, एंड जो आपका टैक्सेशन का पेपर है दैट इज बाय सीए सूरज अग्रवाल सर। ठीक है सर, ये सारे फैकल्टीज आप लोगों के लिए ले रही है सर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन बाकी तीन फैकल्टी सर दीज आर योर बेस्ट फैकल्टीज। मेरा तो सर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बेस्ट हूं या ना हूं, अपनी तारीफ खुद करना अच्छा नहीं लगता सर। तो ये तीन जो फैकल्टीज है दीज आर योर बेस्ट फैकल्टी सर, बहुत हार्डवर्क लगाते हैं सर ये फैकल्टीज बच्चे को क्लियर करने में, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी से पढ़ाते हैं सर। जो सारी चीजें मैंने बताई इसमें कुछ ना कुछ सर वैल्यू एड ही करेंगे वो सर। बेस्ट 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 फैकल्टीज एट आर एओसी सीपी ब्रांच। ओके सर, ग्रुप टू की खैर वैसे मैं अभी नहीं बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप टू के जो आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर है दैट इज टेकन बाय मी, मैं ही लूंगा सर। ऑडिट का पेपर है दैट विल ऑल्सो बी टेकन बाय मी, मैं ही लूंगा सर। EIS SM के लिए सर हमारे मोहित अग्रवाल सर हैं, वो ले लेंगे सर मोहित अग्रवाल सर। एंड FMN ECO की बात करूं तो हमारे सर संदीप सर हैं, सीए संदीप सर, जिन्होंने आपको सीएमए का प्रिकॉशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर पढ़ा है, वही आपके FMECO की बात लेंगे। ये सब बात की बातें हैं, अभी जो हमारी क्लासेस शुरू हो रही है दैट इज योर ग्रुप वन। तो आइए सर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए ग्रुप वन के लिए, ठीक है सर, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए, सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में सर रैंक लेके आइए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर, जो भी बच्चा डेमो क्लास लेना चाहता है, हाँ जी, जो डेमो क्लास लेना चाहता है That will be on 20th August. 20th August को हम एक डेमो क्लास रख रहे हैं अकाउंटिंग की, हमारे AOC CP ब्रांच में, ठीक है सर। इसका एड्रेस कंप्लीट डिटेल्स आप इंक्वायरी के थ्रू पूछ सकते हैं सर, इंक्वायरी के लिए मैं आपको नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप क्या, वैसे मैं टाइमिंग्स बता देता हूँ, ये आपके टाइमिंग्स रहेंगे सर 8:30 AM, सुबह 8:30 बजे आपकी डेमो क्लास है अकाउंट्स की, वहां पर मैं आपको सर मिलूंगा फिजिकली। आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो कि सर कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब मैं आपको डील करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। यही सब जो मैंने आपको बताया इसको फेस टू फेस और इलेबोरेट करके मैं सर आपको वहां बताऊंगा। प्लस एक हम डेमो क्लास भी रख लेंगे अपने अकाउंटिंग सब्जेक्ट के ऊपर कि हम अकाउंटिंग को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है सर। इंक्वायरी के लिए मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, आप वहां पर सेंटर पे फोन कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा आपको, पर्सनल नंबर सर, पर्सनल नंबर दूंगा बेसिकली। बेफिक्र होकर आप मुझे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपकी क्वेरीज का पूरा पूरा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है सर। हाँ जी,
इसी के साथ सर हम, हाँ जी, हम अपने इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, तो सर ज्यादा से ज्यादा उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम एक रैंक का जो टारगेट सोच रहे हैं तो सर वहां तक हम पहुंच जाए। रैंक लाना, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ सर, रैंक लाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, अच्छी स्ट्रैटेजी सर, उसी से ही रैंक आती है। हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क में कोई सर हार्डवर्क की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन वो भी सर एक बढ़िया स्ट्रैटेजी से। ठीक है सर, चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ सर जल्दी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है सर, आई होप दिस विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ऑन यू कि सर कैसे सी इंटरमीडिएट करना। सर एक तैयार होके आप कुछ प्रिपेयर होके कुछ कहीं जाएंगे तो सर बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बिगर प्रिपरेशन के अपनी एकदम से पढ़ाई शुरू कर देंगे सर, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है सर, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।